हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। सैनब, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज ऑफिस में वो रमेश से झगड़ा हो गया था और उससे मैं क्या कर दिया मैंने, सैनब क्या कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, माफ कर दो मुझे। शायद गलती मुझसे हो गई थी, जब आप मुझे डांट रहे थे तो मुझे चुप हो जाना चाहिए था, अगर मैं बोलती रही अगर चुप हो जाती तो शायद ये सब कुछ ना होता। सेना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा सोचिएगा भी मत, आप सोचिएगा भी मत। सुनो मेरी बात गौर से सुनो। देखो जैनब, हर गुनाह का कफारा होता है, मैं ये कफारा अदा करूंगा। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं, आपसे कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई है, आपसे तो बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया जिसका कफारा नहीं है। शायद इसका कफारा आप मुझे खोकर ही अदा कर सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, एक ही रास्ता है, ये रात यहीं ठहर जाए और इस रात की सुबह ना हो। ये इस रात, इतनी रात को कौन हो सकता है, देख लो। आप लोग खैरियत? क्यों, तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं है क्या? भाई आप भूल गए क्या? अरे भाई अरे, जिसकी तीसरी एनिवर्सरी है उसे तो याद नहीं है और हम बिना वजह एक्साइटेड हो रहे हैं। अब क्या सारी बातें हम यहीं खड़े होकर करेंगे? नहीं नहीं, आए ना आप लोग, आए अंदर आए। बरखुदार, आप जरा आगे से हटेंगे, आगे पीछे होंगे तो हम अंदर आएंगे ना। जी जी, आइए आइए आइए। ये क्या है? केक है, आपके एनिवर्सरी पे केक तो बनता है ना भाई। हाँ ये तो है, तुम लोग बैठो, मैं जैनब को बुला के लाता। ठीक है। जैनब, वो अम्मी अब्बू और शिजा आए हैं, मैंने उन्हें तलाक का नहीं बताया।
क्यों? वो हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। एनिवर्सरी? कैसी एनिवर्सरी? पर अब क्या फायदा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का? आपने अल्लाह को क्यों नहीं बताया उन्हें? तुम्हें मालूम तो है कि अब्बू हार्ट पेशेंट है। अभी उन्हें इतना खुश देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर उन्होंने सदमा ले लिया, अल्लाह ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। आप मुझसे चाहते क्या हैं? जब तक वो लोग यहां हैं तुम प्रिटेंड कर लो। कि तमाशा मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज थोड़ी देर की तो बात है। आपको ये सब कुछ बहुत मजाक लग रहा है ना? उनको पता लग गया तो? प्लीज प्लीज ज़ैनब, अब्बू की खातिर प्लीज। ये ज़िंदगी।